ओम शांति। हर एक के जीवन में कोई न कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं। हर एक के जीवन में प्राप्तियां अलग अलग हैं, हर एक का पुरुषार्थ अलग है, मेहनत अलग है, भाग्य अलग है और हर एक का प्राप्तियों का समय भी अलग है। अभी कभी ऐसा होता है हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन दूसरों का नहीं, तो फिर वो हमारे लिए ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, इनका सब कुछ अच्छा है, मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर कई बार वो नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं और कभी तो कभी सारा का सारा परिवार नेगेटिव सोचता है और फिर कभी निंदा भी शुरू हो जाती है, तो दूसरे लोग भी वैसा सोचना शुरू कर देते हैं और उसकी हमें बहुत तकलीफ होती है। फिर हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं, देखो ना ये मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, वो मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, तो उस नेगेटिव के प्रभाव से हम कैसे मुक्त रहे? उसका एक सहज तरीका है, अपने मन को समझाओ। देखो वो जो कर रहे हैं ना, वो उनका कर्म और उनका भाग्य और उनकी समझ, उनकी सोच। अब मैं जो करूं वो मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा कर्म, मेरा भाग्य। वो क्या कर रहे हैं, चलो लिव इट असाइड। पहले अपने को देखो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं परमात्मा का लाडला बच्चा हूं। परमात्मा कौन है? वो दाता है ना, तो मैं उसका बच्चा, मैं कौन हूं? मैं भी दाता हूं ना, मैं दाता हूं, मैं देने वाला हूं। अच्छा वो भी कौन है जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, जो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं? वो भी परमात्मा का बच्चा है, माना हमारे भाई बहन है। यस, मेरे भाई बहन है वो। बेचारे अपने कर्म बंधन के कारण परेशान है, बेचारे दुखी है, परेशान है, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है? उनका स्वाभाविक है ना वो, कि जब किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई वो इच्छा रखते हैं, वो काम उनका पूरा नहीं होता है, वो सब अच्छा कर रहे हैं फिर भी उनके रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो नेचुरली वो परेशान है, वो दुखी है, तो मुझे क्या करना है? मुझे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी है, मुझे तो सिर्फ दुआ देनी है। दुआ देनी है या बद्दुआ? बद्दुआ देंगे तो अपने पास आएंगे, मैं तो दाता हूं ना, परमात्मा का बच्चा हूं ना, तो मुझे तो दुआ देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। क्या सोचे उनके बारे में? इनका भी सब कुछ अच्छा हो जाए, इनका भी सब कुछ अच्छा हो जाए, इनके दुख दूर हो जाए, इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इनका मन शांत हो जाए, इनके रुके हुए कार्य
पूरे हो जाएं। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, इनके घर में प्रेम की गंगा बहे, तो हम क्या भेज रहे हैं उनको? ब्लेसिंग्स, शुभ भावना। अच्छा, कितनी बार भेजनी है, कब तक ये करना है? इट इज़ सो ब्यूटीफुल फीलिंग जब हम शुभ भावना भेजते हैं ना, तो सबसे पहले ये किसको लगेगी? मुझे लगेगी, मेरी चारों ओर उस पॉजिटिव एनर्जी का एक ओरा तैयार हो जाएगा, तो फिर पूछने का तो सवाल ही नहीं बनता है कितनी बार भेजनी है। बस रोज़ रोज़ करना है, डेली करना है, क्योंकि इससे तो एक्चुअल में मेरा ओरा तैयार हो जाता है। अच्छा, मेरा ओरा तैयार हो के फिर वो उनके पास भी वो एनर्जी जाएगी। मेरा ओरा तैयार हो गया शुभ वृत्ति का, पॉजिटिव एनर्जी का, तो वो जो नेगेटिव सोच रहे उसका असर मेरे पर होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे से तो सबके लिए दुआ निकल रही है। मैं उनके लिए भी अच्छा सोच रही हूँ, मैं सारी दुनिया के लिए भी अच्छा सोच रही हूँ, तो मेरे मन से सबके लिए दुआ निकल रही है। अच्छा, जो सदा सर्व का शुभ सोचता है उसकी रक्षा तो स्वयं परमात्मा करता है। जो सदा सबका शुभ सोचता, सबको दुआ देता है, उसकी नैया अपने आप किनारे लग जाती हैं। तो दुआ देने वाले सदा खुश रहेंगे, अनअफेक्टेड, अनटच्ड बाय नेगेटिव एनर्जी। तो अभी सारा दिन बस यही करो, चलते फिरते कर्म करते नहीं, उनकी जब भी याद आए बस यही सोचो, तो जो नेगेटिविटी का प्रभाव है कम होते होते पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आई विल बी वेरी मच सेफ एंड सिक्योर्ड। ओके, हैप्पी डे। ओम शांति।